गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑनियन पील स्लाइड। और सबसे पहले ये डिपेंड करता है यहाँ पे मटेरियल रिक्वायरमेंट। तो ये देखिए यहाँ पे ग्लास स्लाइड है, ऑनियन इसकी पील हम इसको अलग करेंगे, देन वॉच ग्लास एंड ये है कवर स्लिप। इसके अलावा स्टेनिक सॉल्यूशन या तो मिथाइलिन ब्लू स्लेपरिन या एसिडोकार्बेन, और इसके अलावा इसमें लास्ट में आयोडीन। तो सबसे पहले इसकी पील को अलग करेंगे। प्लीज कम इसको कट कीजिए, रखिए इसको यहां से कट कर देंगे क्योंकि यहां पे हमें पील अलग करनी है इसकी। ठीक है, पील क्या होती है आपने स्टडी किया होगा, आउटर लेयर जो झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर होती है। और देखिए इसमें हमें एक ऑनली झिल्ली ही अलग करना, ये दिखाई दे। और इसके बाद इसकी आप स्लाइड बनाएंगे, और जब इसकी माइक्रोस्कोप से आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, लेटर कंपार्टमेंट। इसकी झिल्ली लेयर निकालिए आप, यस गुड। देखिए इसने लेयर यहाँ पे अलग की, यहाँ पे ये होती पील। तो इस पील की हम लूप क्या बनाएंगे स्लाइड, इसको हम वाटर में ड्रिप्ट कर दीजिए क्योंकि ये आपकी ड्राई ना होने पाए। ऐसे ही और पील हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। दीजिए ग्लास स्लाइड, इसको रखिए सर। नहीं बेटा ग्लास स्लाइड दीजिए, ये पील है, इसके स्मॉल कंपार्टमेंट में ले सकते हैं छोटा सा, और नहीं करना तो इसको डबल भी कर सकते हैं। ओके ठीक है, ड्रॉपर है। और इसमें वन ड्रॉप्स, ज्यादा नहीं करना। आफ्टर स्टैनिंग हम किसी स्लाइड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उसके बाद जो इसमें ऑब्जर्व हुआ लिटिल कंपार्टमेंट, एंड दीज लिटिल कंपार्टमेंट, इन कंपार्टमेंट को हम क्या बोल सकते हैं सेल। तो यहां पे क्या हुआ, स्टैनिंग हुई यहां पर स्लाइड स्टैनिंग। और फिर इसको हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और जनरली यहां पर जो माइक्रोस्कोप है लाइट माइक्रोस्कोप। ओके अब इसमें हम लोग यूज करते हैं ग्लिसरीन, ओनली वन ड्रॉप। और इसके बाद इसमें रखें कवर स्लिप, एक कवर स्लिप होती है स्मॉल, और बबल्स नहीं आने चाहिए। बबल्स आ गए, एयर बबल्स, एक तो स्लाइड भी आपकी क्या थोड़ी क्या है, तो पील आपने रखी है थोड़ी बड़ी है पील। और विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर भी साइड में आप स्लाइड को आप साफ कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। ओके और फिर इसको हम ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यदि वहां पे आपको लिटिल कंपार्टमेंट ऑब्जर्व हो रहे तो आपकी स्लाइड क्या सही है, और यदि कंपार्टमेंट ऑब्जर्व नहीं हो रहे तो स्लाइड क्या है रॉन्ग है। तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके गाइज, तो ये आपकी कंप्लीट हुई ऑनियन पील स्लाइड। और इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिए। ओके थैंक यू।